Of India, स्वागत है आपका इस प्लेलिस्ट में क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस चैप्टर के एन के क्वेश्चन को, को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ना पहले तो आपको यह बता दिया कि एक एटम है एटम की जो फर्स्ट शेल होती है और एटम की जो सेकंड शेल होती है वो कंप्लीटली फुल है देखो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अब अगर ये दोनों कंप्लीटली फुल है तो इसका मतलब फर्स्ट शेल के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और सेकंड शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ सकते थे ना तो एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस एटम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखो फर्स्ट लाइन में ना क्वेश्चन का आंसर भी दे रखा है पहले तो आपको ये बता दिया कि एक एटम है अब कौन सा एटम है नाम बताया नहीं है बस आपको ये बताया कि उसके अंदर दो शेल्स हैं तभी हमने न्यूक्लियस के बाहर ना देखो ये फर्स्ट और ये सेकेंड दो शेल्स को रिप्रेजेंट भी कर दिया ये भी बोला हुआ था कि दोनों के दोनों शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम दो ही तो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो वो फिल है ना तभी देखो दो इलेक्ट्रॉन्स हमने शो किए हैं और सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो सेकंड शेल में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हमने एक इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया तो टू प्लस एट टोकल कितने हो गए कैन इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो एटम के अंदर टोटल केन इलेक्ट्रॉन्स हैं यही हमारा आंसर है अब आप लिखोगे ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल वो टू होता है फर्स्ट शेल को ना के शेल बोलते हैं उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं टू आ सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल ये जो दूसरी शेल होती है ना सेकेंड शेल उसे एल शेल बोलते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम एट आ सकते हैं अब क्वेश्चन में बोला हुआ था कि पहली और दूसरी दोनों कंप्लीटली फिल्ड है तो मैक्सिमम उनमें टू और एट इतने ही तो आ सकते हैं तो इफ के एंड एल शेल्स ऑफ एटम आर फुल देन द एकम कंटेन्स ए कोकल ऑफ कू प्लस एट विच इज़ कैन इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर फर्स्ट और शेल दो शेल्स कंप्लीटली फेल गए तो उस एक्म के अंदर कैन इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि पहले वाली में दो आ सकते हैं सेकेंड वाली में मैक्सिम एक आ सकते हैं तो कू प्लस एक कैन है दिस इज दंसर